कथा सुनाते हैं तारा रानी की, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो पंचमेवे का प्रसाद है ये क्यों बांटा जाता है, कैसे बना ये पंचमेवे का प्रसाद, और सुबह की पावन वेला में हलवे छोड़ने का भोग क्यों लगाया जाता है, खीर का भोग क्यों नहीं लगाया जाता, मामा के चरणों में क्या कारण है। ऐसी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको कथा के अंदर पता चलेगी। कथा आपने पहले भी दो दो बार सुनी होगी, लेकिन कभी आपने आप बात की तरफ ध्यान नहीं किया होगा। ये कथा अगर आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। बोले सच्चे दरबार की कथा समझ में आ रही है जी, आ रही है। बोले सच्चे दरबार की, तो जिनके पास नारियां नहीं थी, अब कथा दूसरी प्रारंभ हो रही है। जो भी माताएं बहने बैठी है, जो भी आपने चुन्नी ओढ़ रखी है, उसके कुछ दक्षिणा बांधी जैसे नारियल के साथ लगाई थी, क्योंकि अब कथा तारा रानी की कुछ शुरू कर रही है। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो बहुत समय पहले की बात है, महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम क्या था, क्या नाम था, एक कुछ तो बोलो रहा, कुछ नंबर कटे हैं, तारा नहीं थी, रुक्मण छुट्टी का नाम था। तारा सदन उसके तीसरे जन्म में नाम होता है, और वो राजा दक्ष की नहीं, राजा शपर्ष की बेटी होती है। यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम तारावती और छोटी का नाम रुक्मण था। दोनों बहनों में बड़ा ही प्रेम था, दोनों बहनें मां भगवती की सी भक्तनी थी। एक बार दोनों बहनें एकादशी का व्रत करती है, तो बड़ी बहन तारावती रुक्मण से कहती है, बहना ये ले कुछ पैसे और तो बाजार चले जा, जब खेल कूद कर बाजार से वापिस आएगी तो अपने लिए कुछ फल वगैरह खरीद कर। अपनी बड़ी बहन का आदेश पाकर जैसे ही बाजार के अंदर दाखिल हुई, उसको बहुत अच्छी सुगंध महसूस हुई। सुगंध मैंने खुशबू, उस खुशबू को सूंघते सूंघते उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां से वो सुगंध आ रही थी। जाकर रेड़ी वाले से कहते कि भैया ये जो आप पदार्थ पका रहे हो उसकी एक प्लेट मुझको भी दो। खाने के बाद पैसे देकर जब वो वहां से चलने लगी, उसके कानों में फल वाले की आवाज गूंजती कि आम ले लो, सेब ले लो, चीकू ले लो, केले ले लो। उसको याद आते कि तो एकादशी का व्रत था, और एकादशी के दिन तूने कढ़ी और चावल का सेवन कर लिया। सुनो इस जगह पर दो वाक्यों का वर्णन किया गया। कोई तो कहते कि उसने मांस के पकौड़े खाए थे, और कोई कहते कि उसने कढ़ी और चावल खाए थे। जो युवा जनरेशन शायद इनको नहीं पता, लेकिन जो मेरी माता की उम्र की है इनको जरूर पता है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एकादशी के दिन घर में चावल, किस किस को पता ये बात? क्या किसी को ये भी पता है कि क्यों नहीं बनाने चाहिए, क्या कारण है इसका? पता है किसी किसी को क्यों नहीं बनाने चाहिए? कीड़े बने जाए, ये कक्षियों ने कहना बने, तो वापसी ने क्यों नहीं बनते? कभी आपने इस बात पर विचार किया? ऐसा कोई सीन नहीं है। सुनिए, लिखा तो शराब के ऊपर भी होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ता। लेकिन जो डॉक्टर वार्निंग दे दे फिर थोड़ा फिर जरूर कर लेगा। ये तो इसलिए कहा गया था कि इंसान इन चीजों से थोड़ा परहेज करे। मेन कारण क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। बोली सच्ची दरबार, अगर कथा को ध्यान पूर्वक सुनोगे अनेकों बातें निकलेंगी कथा सुनने वाले के लिए। एकादशी के दिन किसको होता है? श्री विष्णु भगवान। तो श्री विष्णु भगवान के परम भक्त हुए, जिसका नाम था मेधा ऋषि। क्या नाम था? मेधा ऋषि। जो प्रभु की भक्ति करते करते प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, यानी अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, तप करते करते। और हमारे सनातन धर्म में शुरू से ही परंपरा रही है, कोई भी साधु संत अपना शरीर छोड़ देता है उसकी समाधि बना दी जाती है, तो उसकी भी समाधि बना दी गई। उसकी समाधि से धान का पौधा उत्पन्न हुआ, धान में नहीं जीरी, और जीरी से क्या निकलता है? चावल। बताते कि जो भी इंसान एकादशी के दिन चावल खाते हैं, एकादशी के दिन ही अपने वो शरीर का त्याग करता है मेधा ऋषि,
और अगली एकादशी को ही धान का पौधा उत्पन्न होता है और उससे अगली एकादशी को एकादशी के दिन ही चावल निकलता है। बताते कि जो भी इंसान एकादशी के दिन चावल खाता है तो उस इंसान से श्री विष्णु भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और श्री विष्णु भगवान की धर्मपत्नी कौन है? मां लक्ष्मी। जिस इंसान से श्री विष्णु भगवान रुष्ट है उस इंसान से मां लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाते हैं। और जिस इंसान से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाए उसके घर में गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है। और जिस इंसान पे गरीबी आ जाए ना तो कोई उसका भाईचारा होगा ना कोई रिश्तेदार होगा। इंसान गरीब की तो राम राम भी नहीं लेता सकता। इसलिए कहा गया है कि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं खाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, ताकि उस इंसान के वैवाहिक जीवन में, संसारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। क्योंकि सभी कार्य हमारे लक्ष्मी से ही शुरू होते हैं और लक्ष्मी पर ही खत्म होते हैं। तो उसके मन में भी गिलान पैदा हो जाता है कि राज घराने की लड़की होकर मैंने एकादशी के दिन कड़ी और चावल का सेवन किया, मांस खाने जैसा करा दिया। डरी शैली हुई जैसे महल के अंदर दाखिल हुई, अपनी बड़ी बहन तारावती से कहती कि बहना मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कहती कि बहना आपने ऐसा कौन सा अपराध किया जो बार बार क्षमा याचना मांग रही हो? कहती कि बहना आज मैंने एकादशी के दिन भूल से कड़ी और चावल का सेवन कर लिया, जब इतनी माफ सुनी तो बड़ी कहती है बहना ये मैंने क्या किया? तो है तुम्हारी बहन लेकिन तूने मनुष्य प्राणी जैसा कर्म किया है, जहाँ मैं तुम्हें शराब देती हूँ तो अगले जन्म में छिपकली की योनि में चली जा और सारे जीवन का गुजारा कीड़े पतंगे कीड़े मकोड़े मांस खाकर ही अपने जीवन का गुजारा। अपनी बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को सुलभान करते रहने करती है और साथ में उससे उपाय बोलते है गुडिया सो ना और साथ में उससे उपाय पूछते हैं बहना क्या मैं इस शराब से कभी मुक्त हो सकती हूँ? त्याग और परोपकार के बल पर तुम इस शराब से मुक्त हो सकोगी। तो सुनो बात आपके दूसरे जन्म की, जो तारावती थी माँ की भक्ति किया करती थी, माँ की कृपा से इंद्रलोक के अप्सरा बने, ये प्रताप होता है भक्ति का। भक्ति के कारण वो इंद्रलोक की अप्सरा बनी, यानी स्वर्ग लोक में अप्सरा बनी। और जो रुक्मण थी शराब के कारण छिपकली की योनि में आ जाती है और त्याग और परोपकार का औषध ढूंढने में लग जाती है। सुनो द्वापर युग में कैसा युद्ध हुआ था? उस जैसा युद्ध ना तो कभी हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। उस युद्ध का नाम था महाभारत। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था बेटा? कुछ नहीं पावा छोटा भीम कौन है, लिटल सिंघम कौन है, डैड डैड बता देंगे गल्ले मुंह फिर के देख देख। किस किस के बीच हुआ था महाभारत का युद्ध? आपने तो पता बात तो नहीं की है यार, नवी जनरेशन क्यों नहीं पता इनको? आपने फोन दे दिया, वे कुछ सर्च करो। जब तक आप अपने घर में अपने धर्म से संबंधित बात नहीं बताएंगे इनको कुछ नहीं। मुसलमानों के बच्चों को देखना, पांच टाइम नमाज पढ़ते हैं उनके बच्चे, और सिखों के बच्चों को देखना वाहे गुरु, छोटे से छोटा बच्चा भी सेवा करेगा गुरुद्वारे में क्योंकि उन्होंने देखे उनके माता पिता को सेवा करते। और अपना बोली सच्ची दरबार महाभारत का युद्ध किस किसके बीच था? कौरवों और पांडवों के। जो कौरव थे वो सभी मारे गए थे किनके हाथों? पांडवों के हाथों। तो वो पांचों भाई, पांचों पांडव कौरवों की आत्मा की शांति के लिए एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं और उस महायज्ञ में वो समस्त मानव जाति समस्त ब्रह्मांड के देव देवताओं का निमंत्रण देते हैं। जैसे ही सहदेव जो पांडवों में सबसे छोटा था सभी को निमंत्रण देकर हस्तिनापुर के अंदर आया तो वहां पर मेरे प्रभु मेरे वाक्य बिहारी खड़े थे, कहते कि प्रणाम प्रभु, कहते कि प्रणाम युधिष्ठिर को भी, कहते कहते प्रणाम भ्राता, कहते कि प्रणाम, कहते कि भैया मैंने सभी को निमंत्रण दे दिया
तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं सहदेव, आपका निमंत्रण है कि इंसान से नहीं बोलकर वो इंसान कौन है? वो इंसान है दुर्वासा ऋषि। क्योंकि दुर्वासा ऋषि इन दिनों जंगल के बीचों बीच एक कुटिया में बैठकर कठिन तपस्या में लीन है। आपका निमंत्रण उस इंसान तक नहीं पहुंचा। प्रभु का आदेश पाकर जंगल के बीच बीच जाकर देखते तो सच में दुर्वासा ऋषि कठिन तपस्या में लीन थे। जाकर ऋषिवर को प्रणाम किया, ऋषिवर प्रणाम, मैं पांडव पुत्र सहदेव, हम पांचों भाई ने उन कौरवों की आत्मा की शांति के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया है और उस महायज्ञ में समस्त मानव जाति समस्त ब्रह्मांड के देव देवताओं को निमंत्रण दिया है। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ कठिन तपस्या में लीन है, तो मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया था, तो मैं अब आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप हमारे यज्ञ में आइए। हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ा। जब दुर्वासा ऋषि ने सुना कि मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया था, बड़े क्रोधित होते हैं, कहते कि तूने तो मेरा अपमान किया है, जिसके श्राप से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव रुद्र, तुमने मुझसे पहले देवताओं को निमंत्रण दिया है, अगर आपको मुझे यज्ञ में बुलाना है तो कोई भी देवी देवता आपका यज्ञ में सम्मिलित नहीं करेगी। दुर्वासा ऋषि की सही बात सुनकर वो हस्तिनापुर के अंदर आ जाते हैं और सारा वृतांत वो युधिष्ठिर को कह सुनाता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारा काम था निमंत्रण देना, आप जो उनकी मर्जी वो आए, जैसे इस परिवार का काम था सभी को निमंत्रण देना, आगे भक्तों की मर्जी वो इस जागरण में आए। भंडारे का आयोजन किया जाने लगा, हवन की तैयारी की जाने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखे कि पांडव ने उनका निरादर करने का मार्ग क्या है, मन ही मन योजना बनाते कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे उनका भंडारा संपूर्ण ही ना हो, जो भी इनके भंडारे को खाए सभी मौत की नींद सो जाए। अगर इस भंडारे में मैं सम्मिलित नहीं हो सका तो कोई भी ये भंडारा खाकर जीवित नहीं रहेगा। और जो भी वहां पर ऋषिगण आए हुए हैं, ब्राह्मण आए हुए हैं, उन पांडवों को श्राप देते, उनका वंश ही खत्म हो जाए, ऐसे मन में सोच विचार करके एक पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं और जंगल के बीचों बीच के मरे हुए सांप को पंजे में उठाकर उस भंडारे की तरफ चल देते हैं। आपने कभी ना कभी घर में हवन यज्ञ जरूर करवाया होगा। हवन के अंदर एक आहुति दी जाती है जिसको हम संपूर्ण आहुति कहते हैं। संपूर्ण आहुति किसे कहते हैं? खोपे की आहुति को हम संपूर्ण आहुति कहते हैं। खोपा ऊपर से काट कर उसके अंदर हवन सामग्री भर दी जाती है, ऊपर से मूली का दाखला फेंट दिया जाता है, जो घर का मुखिया होता है संपूर्ण आहुति के रूप में हवन कुंड के अंदर खोपे की आहुति देते हैं। और जो परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार आए होते हैं, भाईचारा होता है, हाथों में सांसरी उठाकर स्वाहा कहकर एक साथ हवन कुंड के अंदर संपूर्ण आहुति दे देते हैं। उसके बाद कोई भी वस्तु हवन कुंड के अंदर नहीं डाली जाती। ये भी कहा जाता है कि हाथ भी नहीं झाड़े जाते, केवल घी की धार बांध दी जाती है, वो भी घर के मुख्य। तो जब उस यज्ञ में भी संपूर्ण आहुति का समय आया, सभी भंडारी सभी दरबारियों को बुलाया गया आहुति देने के लिए। जो पहरेदार थे, भंडारी थे, हलवाई थे, सभी को बुलाया गया कि भाई आओ, संपूर्ण आहुति का समय हो चुका है। जैसे आहुति देने के लिए वो हवन कुंड के पास जाते हैं, वो दुर्वासा ऋषि रास्ता साफ पाकर उस भंडारे में घुस जाते हैं जहां पर वो खीर का प्रसाद मंगा था। सबसे नजरें बचाकर उस खीर के लड़ाई के मरे हुए सांप को डालकर वहां से चला जाता है। जब खीर के लड़ाई के मरे हुए सांप को डाल रहा था तो सारा वृतांत वो छिपकली देख रही थी। छिपकली देखे तो खीर दूषित होगी, जो इस खीर को खाएगा मर जाएगा। उसको अपनी बहन के कहे हुए शब्द याद है कि त्याग और उपकार कर रहा है। उसने मन ही मन विचार बनाया कि क्यों ना मैं अपने प्राणों का त्याग करूं, इससे मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और इस मानव जाति पर मेरा उपकार होगा, क्योंकि मेरी वजह से सब की जान बची। ऐसे मन में सोच विचार कर ही रही थी, जैसे भंडारी खेल के कढ़ाई को दौड़ने के लिए आते हैं, जान बूझ कर वो छिपकली उस खेल के कढ़ाई के अंदर छलांग लगा दी। भंडारी भागे भागे जाते जाते राजन खीर का प्रसाद मंगल लगभग तैयार ही हो गया था, लेकिन एक छिपकली ने उसके अंदर कूद कर उस सारे खीर को दूषित कर दिया। सभी उसको भला बुरा करने लग जाते, कहते कि नीच जाति का प्राणी था, नीच ही इसने कर्म किया है, हम इसको श्राप देते हैं, जो अगले जन्म इसका लालन पालन होगा एक नीच के लिए। एक श्राप से मुक्त हुई उसको दूसरा श्राप दे दिया जाता है।
युधिष्ठिर कहते हैं कि खीर को आपने ऐसे नहीं डोलना, एक बड़ा सा कट्टा खोद कर उसके अंदर खीर की कढ़ाई को खाली कर देना, रोकर शक्ति डाल देना ताकि कोई भी पशु पक्षी इस खीर को ना खाए, क्योंकि अगर कोई भी पशु पक्षी इस खीर को खाएगा तो वो भी मर जाएगा। राजन का आदेश पाकर ऐसे किया गया, एक बड़ा सा कट्टा खोदा गया। जब खीर की कढ़ाई को खाली कर रहे थे तो नीचे से क्या निकलता है, सांप का कंकाल निकलता है, सांप की हड्डियां निकलती है। बोले सब नींद तो नहीं आती किसी ने, तंग तो नहीं हो रहा, बोली बोली सच्ची दरबार। तो सुनो, जैसे खीर के कढ़ाई को खाली करने के से सांप का कंकाल निकलता है, सांप की हड्डियां निकलती हैं, भागे भागे युधिष्ठिर के पास जाते, कहते कि राजन ये खीर तो पहले से ही दूषित थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते क्या हुआ, कहते कि राजन वो खीर तो पहले से ही दूषित थी, उसके अंदर तो पहले से ही मरा हुआ सांप पड़ा था, अगर हम वो खीर खा जाते तो हम सभी मारे जाते और इस धरती से मानव जाति ही नष्ट हो जाती, क्योंकि इस यज्ञ में समस्त मानव जाति ने भाग लिया था, अगर हम खीर खा जाते तो इस धरती से मानव जाति ही नष्ट हो जाती। वो तो शुक्र मनाओ छिपकली का, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबकी जान बचाई, और जिसने हमारी जान बचाई हमने उसी को श्राप दे दिया। सभी मन ही मन बसाते हैं और उस प्रभु से मंगल कामना करते कि हे प्रभु, इसने मानव कल्याण के लिए, इस मानव जाति के लिए अपने प्राणों का दान किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं जो इसका अगला जन्म हो, जो लक्ष्य 84 में सबसे उत्तम देह है, मानव देह, इस भूमि में इसका जन्म, इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं सजनों, लेकिन इस धरती पर इंसान ही एक ऐसा जीव है जो प्रभु का स्मरण करके, प्रभु की भक्ति करके अपने आगे आने वाले जीवन को भी सुधार सकता है। इस धरती पर इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति इस परमपिता परमात्मा ने सबसे ज्यादा दी है। इस धरती पर इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है, वरना घोंसले घर तो पक्षियों के भी होते हैं, जानवरों के भी होते हैं, पेट भर कर जानवर भी सोचते हैं, पक्षी भी सोचते हैं, और बच्चे पैदा जानवर भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, लेकिन जो सामर्थ्य इसके पिता परमात्मा ने इंसान को दिया है वो किसी जीव के अंदर नहीं है। बोली सच्चे दरबार की, जो लक्ष्य 84 दुनिया में सबसे उत्तम देह है वो है मानव देह, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। बात आती है तीसरे जन्म की। एक राजा था जिसका नाम था स्पर्श, सच्चे दरबार की नींद आना स्वाभाविक है, नींद क्यों आती इसका भी एक कारण है। उस निंद्र ने भी वरदान मांगा तो सुपाक्य बिहारी से कि हे प्रभु, जहां पर भी आपके नाम का सत्संग कीर्तन कथा होगी मैं भी हाजिरी लगाने के लिए आऊंगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था इसलिए नींद आती, और देख कदे सारे सारे लाइव जैसे तो वरदान कर रहे, लेकिन एक बात और बेटी, जो जग जाएगा वो पावेगा, जो सोएगा वो। तो जितने भी समय बिताए इस प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर बैठे। बोले सच्चे दरबार, एक राजा था जिसका नाम था स्पर्श, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। अपने पुरोहितों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी कुंडली देखिए, बताओ कि अपने भाग्य में संतान सुख है या नहीं। जब उसकी कुंडली देखी, कहते कि राजन आपके भाग्य में दो कन्याओं का योग है, लेकिन उसके लिए आपको संतान गोपाल यज्ञ करवाना होगा। राजन ऐसे करते हैं, संतान गोपाल यज्ञ करवाते हैं और मां भगवती की कृपा से एक साल के बाद उसके घर में एक कन्या जन्म लेती है। उसका भी भाग्य दिखाया गया, उसकी भी कुंडली दिखाई गई। जब उसकी कुंडली देखी तो सभी राजा की जय जयकार करने लग जाते, कहते कि राजन बड़ी तेजस्वी लड़की पैदा होगी आपके घर में, जहां पर भी जाएगी आपका नाम रोशन करेगी, आपका साम्राज्य दिन दोगुनी रात दोगुनी होते करेगा। रही बात इस कन्या के भाग्य की, इस कन्या का भाग्य ऐसे चमकेगा जैसे आसमान में क्या चमकता हो, तारा। आसमान में सुनो तारे बहुत होते हैं, लेकिन जो चमकने वाला तारा है कौन सा होता है, वो ध्रुव का तारा।
जो दिन में भी चमक जाएगा एक आई बार और रात रात तो चमक चमक और बहुत ही कम तारे मिलेंगे आसमान में देखना तारे बहुत मिलेंगे जो चमकने वाले तारे हैं बहुत कम मिलेंगे कि इस कन्या का भाग्य ऐसे चमकेगा जैसे आसमान में ध्रुव का तारा चमकता हो और उस कन्या का नाम तारा ही रख दे पहले जन्म में तारावती दूसरे जन्म में इंद्रलोकीय अप्सरा और तीसरे जन्म में तारा एक साल के बाद उसके घर में फिर दूसरी कन्या जन्म लेती है उसका भी भाग्य दिखाया गया उसकी कुंडली दिखाई गई जब उसका भाग्य दिखा किसने देखे बोले सबके दरबार तो सुनो जैसे ही उसका भाग्य देखा तो सभी ब्राह्मण निराश होकर बैठ जाते हैं राजन राजा कहते बताओ छोटी बेटी का भाग्य क्या कहते कहते राजन जितनी भाग्यवान आपकी वो बड़ी बेटी तारा है उतनी दुर्भाग्यशाली आपकी है छोटी बेटी है क्या उसके वजह से आपका साम्राज्य तहस नहस हो जाए और अगर आप यह संपर्क में रहे तो आपकी मृत्यु के भी योग बन सकते हैं कहते किसका कोई उपाय कहते किसका केवल एक उपाय है कहते क्या इस कन्या का गला दबा दीजिए ना ये कन्या रहेगी और ना ही आप भी कोई मुसीबत आएगी राजन कहते कि मैं कन्या वध का पाप अपने शरीर से लूंगा क्योंकि एक कन्या को मारना 100 गौओं को मारने के बराबर है सजनों कहते कि बेटा भाग्य से मिलते और बेटियां सौभाग्य से मिलते जब इंसान के 100 जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाके घर में कन्या जन्म लेते हैं ना तो मेरा छोरी हो और ना मेरा भाई का छोरी हो जोधा इस पे भी तीन छोरे छोरे बोले सच्चे दरबार की क्योंकि कन्या दान भाग्य में नहीं होता जब इंसान के 100 जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाके घर में कन्या जन्म लेती है कहते मैं कन्या वध का पाप अपने शरीर से राजे होते हैं माँ बाप जिनके घर में कन्या जन्म क्योंकि परियों को पालने की औकात आम इंसान की नहीं होती राजे महाराजे ही परियों का लालन पालन कर सकते हैं ताड़िया बजाओ खुद के लिए क्योंकि आपकी हंसी की जरूरी तो सजनों उस कन्या का भाग्य देखा कहते किसका कोई और उपाय तो सभी ब्राह्मण विचार विमर्श करते हैं सलाह मशवरा करते कहते राजन इसका एक उपाय और है कहते क्या कहते क्या आप इस कन्या की शादी तो करोगे कहते क्या आप इस कन्या की शादी तो करोगे कहते ये तो वही दुनिया का दस्तूर है ये तो सदा से होती आई ऐसा कौन इंसान है जो बेटी को अपने घर में रख सके शादी तो करनी पड़ेगी कहते कि आप इसका कन्यादान भी करोगे कहते कि जब शादी करोगे तो कन्यादान भी करूंगा कहते कि आप इसका कन्यादान अभी कर दीजिए कहते कि मैं आपकी बात नहीं समझा कहते कि आप एक काम कीजिए एक सोने का संदूक बनवाइए हीरे मोती जड़वाइए मखमल की शैली बिछाइए इस कन्या को लिटाइए संदूक को नदी में बहा दीजिए कहते कि उससे क्या होगा कहते कि एक तो आप कन्या वध के पाप से बच जाए दूसरे ये मुसीबत भी आपसे दूर चली जाएगी तीसरी और अहम बात ना तो आप पर कोई संकट होगा ना ही आपके साम्राज्य पर कोई संकट होगा और जो भी इंसान इस संदूक को देखेगा धन के लालच में संदूक को जरूर बाहर निकाल लेगा और जैसे संदूक को खोलेगा इस कन्या को पाएगा तो इस कन्या को भाग्यशाली मानेगा कि इस कन्या के वजह से मुझे इतने धन की प्राप्ति हुई है इसी धन से इस कन्या का वो लालन पालन भी जरूर करेगा राजन को सुझाव अच्छा लगा ऐसे ही करते हैं सोने का संदूक बनवाते हैं हीरे मोती जड़वाते हैं मखमल की सैली बिछाते हैं कन्या को लिटाते हैं संदूक को गंगा नदी में बहा देते हैं जैसे संदूक तारता तारता हरिद्वार के अंदर आया तो एक ब्राह्मण की नजर संदूक पर पड़ी संदूक के चमक धमक देखकर ब्राह्मण नदी के अंदर छलांग लगा देते जैसे ही तैर कर संदूक के पास गया संदूक उससे दूर चला जाता है फिर ब्राह्मण तैर कर संदूक के पास गया संदूक उससे फिर दूर चला जाता है बोले सच्चे दरबार की यहाँ तक कथा समझ में आई नहीं जिसको समझ में आई झूठ की बोलना तो झूठ बोले मेरी माँ के नाम का चोर चोर अब ये बताओ कि जब ब्राह्मण तैर कर संदूक के पास जा रहा था तो संदूक उससे दूर क्यों जा रहा था जो भी बताएगा महामाई के दरबार से उसको खजाना दिया जाएगा देख पहला कितने आज खड़े खरीदे कल्ला भाई अनु शेर तो कल्ले
कोई और नहीं बता सकता। लाल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को बताइए, तुक्के नाम आ रहे हैं। बोली सस्ते दरबार की, हाँ जी ताड़िया बजाओ भाई। शराब के कारण क्या शराब मिला था कि नीच दर्जे का प्राणी था, नीच ही इसने कर्म किया है, हम इसको शराब देते हैं जो अगले जन्म में इसका लालन पालन होगा एक नीच के घर में होगा। और ब्राह्मण नीच जाति सजनों, वैसे तो कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन हर जाति के अंदर एक नीच इंसान जरूर मिलेगा आपको। इंसान कर्म से ही श्रेष्ठ है और कर्म से ही नीच है। अगर जाति से श्रेष्ठ होता, रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था, रावण जैसा कोई पराक्रमी भी नहीं था, रावण जैसा साम्राज्य भी किसी के पास नहीं था। लेकिन जब वो अपने कर्म से गिर जाते हैं, माँ सीता का हरण करते, तो आज तक दशहरे के शुभ अवसर पर उसका दहन किया जाता है। और रही बात जाति की, संत रविदास जी महाराज हुए, जिनकी भक्ति के अंदर इतना तप था कि ब्राह्मण गंगा नदी पर गए थे, उनको फिर भी दर्शन हुए और रविदास के कुंडे के अंदर मांग मांगा खुद अवतरित हो जाती। बोले सबसे दरबार की ये भक्ति कई प्रताप है सदनों, इंसान कर्म से ही श्रेष्ठ है और कर्म से ही नीच है। भंगी को आवाज लगाते कहते कि भंगी, कहते कि हां ब्राह्मण देवता, कहते कि मेरा सुदुख नदी में गिर गया, सुदुख को जरा बाहर निकालो। भंगी ऊपर से नीचे तक ब्राह्मण को देखते कि जो इंसान हर की पौड़ी पर बैठकर दान दक्षिणा मांगता है, उसके पास इतना कीमती सुदुख तो नहीं आ सकता। कहते कि हे ब्राह्मण देवता, सुदुख तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझको सुदुख निकालने का क्या मिलेगा? ब्राह्मण सोचा अगर मैं कुछ सुना तो कहते सुदुख ही ना निकाले। ब्राह्मण कहते कि सुदुख मेरा, सुदुख के अंदर जो माल है वो तेरा। भंगी भी खुश हो जाता, अगर बाहर इतना धन माल लगा तो सोने के सर पे हीरे मोती जवाहरात मिलेंगे। छलांग लगाते हैं और एक ही छलांग में संदूक को बाहर निकाल लाते हैं। जैसे संदूक को खोला तो माँ भगवती का एक छोटा सा स्वरूप, क्योंकि दो या तीन की तो कन्या ही थी, माँ भगवती का एक छोटा सा स्वरूप उन्हें पांव का अंगूठा लेकर मुंह में जोश रही थी। और दुर्भाग्य से भंगी के घर में कोई संतान नहीं थी। जब उस कन्या को देखते हैं, भूल जाते कि सोने का संदूक इसके हीरे मोती लगे हैं, संसारी काम छोड़ देते हैं। उस कन्या को उठाते हैं, संदूक को वहीं पर छोड़कर अपनी झोपड़ी की तरफ भाग जाकर जाकर भंगनी को आवाज लगाई, कहते कि भंगनी देखो आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। जैसे भंगनी ने उस कन्या को देखा, एक बार तो खुश हो जाते, लेकिन थोड़ी देर के बाद मायूस हो जाती, क्योंकि वो भी एक औरत थी। कहते तूने किसकी गोद उधाड़ी, तूने किसका पत्ता उठाया है? अरे सन्नी सी जान को भूख लगी होगी, इसकी मां चिंता करती होगी, तूने किसकी गोद उधाड़ी, किसका पत्ता उठाया है? कहते कि ना तो मैंने किसी की गोद उजाड़ी और ना ही मैंने किसी का बच्चा उठाया, ये तो माँ गंगा ने हमें बेटी स्वरूप देवराज से, इस बेटी पर केवल और केवल हमारा अधिकार है। जब इतनी बात सुनी, भंगने ने झट से मम्मी के आदर्श कन्या को छीन लिया, जाते छाती से लगाया तो माँ भगवती करीब पशु की छाती के अंदर दूध उतराते। बोले सुनते दरबार की जयकारा मदम कर, बोले सुनते दरबार थक गए नोरकसी देसी गलवा मिला खामर मारे देख कर हम 28 तारीख तक लगातार साला बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो सुनो उस कन्या का नाम रुको रख देते, रुको नाम तो रख रहे इसका भी कारण है, क्योंकि पहले ऐसे नाम रखे जाते थे। मंगलवार को कोई लड़की पैदा हुई नाम रख दिया मंगला, वीरवार को कोई लड़की पैदा हुई नाम रख दिया वीरो, शुक्रवार को कोई लड़की पैदा हुई संतोषी माता का दिया नाम रख दिया संतोष। अरे यहाँ बुढ़िया तो इसी हो गई, जे किसी का पांच छह छोरी और नाम देते दे बतेरी धोती। तो सोच रहा हूँ वो भी संदूक रोक कर निकाली गई थी, उसका नाम रख देते हैं रुको, उसका नाम रख देते हैं रुको। उधर राजा, क्या नाम था राजा का? सफर। किसने बताया? मतलब दस का लेगा माना माना। उस कन्या का नाम राजा सबर्स के घर में तारा का लालन पालन होता है और भंगी के घर में रुको का लालन पालन होता है। दोनों की सौर अवस्था में हो जाती है।
देखिए लगन हो भंडारे बोले सच्चे दरबार सच्चे दरबार दोनों किशोर अवस्था में आ शादी की लाइट हो जाते तारा का विवाह अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दिया जाता है और सुयोग वंशी रुको का विवाह भी अयोध्या नगरी के अंदर एक भंगी के साथ कर दिया जाता है और जो रुको की सासू थी वो राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी, जमादारे का काम किया करती थी। एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई तो अपने बहू से कहती है कि हे बहू रानी, हे बेटी रुको, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, आप महल में चले जाना और वहां पर साफ सफाई का काम निपटा कर जल्दी से घर आ जाना, अपनी सासु माँ का आदेश पाकर महल के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुई तो तारा उसको देखते ही पहचान जाती, क्योंकि तारा पर माँ भगवती की अशेष कृपा थी, बहुत बड़ी भक्ति थी माँ की। तारा उसको देखते ही पहचान जाती, कहते कि आओ आओ मेरे पास आकर बैठे। रुको डर जाती, कहते कौन बहना, किसकी बहना, आप महारानी और मैं दासी, मैं आपके बराबर मैं कैसे बैठ सकती। कहते कि नहीं, तू मेरी बहन है, तेरा मेरा तो जन्म जन्म का नाता है। कहते कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो मिली भी आपसे पहली बार और आप कहते तेरा मेरा जन्म जन्म का नाता है। उसको सारा वृतांत कह सुनाते, कहते सुनो बहना, हमने राजा दक्ष के घर में जन्म लिया, हम दोनों बहनों ने काशी का वर्ण किया, तुमने काशी का वर्ण वर्णित किया, मैंने तुझे शराब किया, शराब के कारण तो छिपकली लेने में गई, मैं इंद्र लोक जब शराब बनिया, पांडव ने यज्ञ रचाया, त्याग और परोपकार के बल पर आपने अपने प्राणों की आहुति दी, आपको फिर श्राप दिया गया, फिर हमने तीसरे जन्म में राजा सपर्ष के घर में जन्म लिया, श्राप के कारण आपको नदी में बहा दिया गया, एक भक्ति ने आपको निकाला, उसी ने आपका लालन पालन किया, उसी ने आपकी शादी की। कहते कि अगर अभी भी आपको यकीन नहीं तो अपने माता पिता से पूछना, जिन्होंने आपका लालन पालन किया, उनसे पूछना क्या उनकी खुद की होगा। उसको यकीन हो जाता है, दोनों बहनों में फिर से प्रेम हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही तारा के घर में महामाई के नाम का जागरण था, तो रुको को निमंत्रण देती कि रुको मेरे घर में महामाई के नाम का जागरण है, तुम जागरण में जरूर आना। निमंत्रण पाके रुको जागरण में पहुंच जाती है। सारी रात मां की महिमा का गुणगान किया गया, महामाई को मनाया गया, रिझाया गया, समय अंत है, अरदास अरदास करवाई जा रही थी। रुको कहते कि मैंने ये अरदास क्यों करवाई जा रही है, क्या कारण है अरदास करवाने का। कहते कि बहना, जो भी इंसान सुबह की पावन वेला में अपनी नई कमाई से अरदास करवाए तो उसकी हर मनोकामना संपूर्ण। सुजनो कहते कि निर्धन धन मांगेगा, कोटी काया मांगेगा, और जो औलाद का दुखिया है वो औलाद मांगेगा। रुको की शादी को एक साल हो चुका था लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं, मन ही मन माँ से प्रार्थना करती कि माँ अगर मेरे घर में भी लड़का पैदा होगा तो मैं भी आपके नाम का ऐसा ही पावन पवित्र जागरण करवाऊंगा। संकल्प कर लेती है मन ही मन और अरदास करवा देती है। माँ भगवती की कृपा से एक साल के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हो जाता है, लेकिन जागरण करवाना क्या जाती है, भूल जाती है। ये सच्चाई है, आदत की बात सदियों से चलती आ रही है। और दुख में सिमरन सभी करें, सुख में करे ना कोई, और जे सुख में सिमरन कर ले तो फिर दुख का है। ये फितरत शुरू से ही चलती आ रही थी। जब कोई औलाद नहीं थी तब तो माँ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही औलाद हो जाती है तो माँ कुछ नहीं लग रही, लड़का पैदा हो जाता लेकिन जागरण करवाना भूल जाती है। तो सबसे पहले अरदास इस परिवार की तरफ से होगी, जिन्होंने महामाई की पावन पुत्र जोत आज अपने प्रांगण में जगाई है। उसके बाद जिसको अरदास करवानी करवा सकते हैं, जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, लेकिन इस परिवार की अरदास जरूर होगी क्योंकि इनके घर में जागरण। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा सज्जनों, आगे से कभी सत्संग कीर्तन जागरण में जाओ, गाने वाले को पैसा दो या ना दो,
उस पैसे का आपके जीवन के अंदर कोई महत्व नहीं है। मैं ये नहीं कहता पैसे नहीं देने की बड़ी अच्छी बात, अगर आप किसी का मान सम्मान करते हो करना भी चाहिए, लेकिन उस पैसे का आपके जीवन के अंदर कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अरदास करवाते हो उस अरदास के पैसे का आपके और आपके परिवार के जीवन के अंदर बड़ा महत्व होता है। बोली सच्चे दरबार है, तो सबसे पहले अरदास इस परिवार की तरफ से, उसके बाद उस अरदास करवाने की करवा सकते हैं। बोली सच्चे दरबार की। हाँ जी अगले, क्या नाम है अपना? हाँ जी करवाओ अरदास 11 की 51 की 101 की। इच्छा आपकी है, बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो सबसे पहले अरदास इस परिवार की तरफ से हो। 101 की अरदास तेरे बेटे की अरदास, तेरे शुभ चरणा के पास माँ से रवाली, इनका सोया भाग जगा दे, इनका कारोबार चला दे, इनके घर में खुशियां ला दे माँ से रवाली। जस जस बस जस नाम होगा मां माई के दरबार में दिक्कत ना होना। दशरपिया की अरदास तेरे जसन की अरदास, मां तेरे शुभ चरणा के पास मां से रवाली, दशरपिया की अरदास, चुलबुल पांडे की अरदास। नाम को नहीं बताया गया तो ज्यादा बोलो दस रुपया की अरदास तेरे भगतां की अरदास, इनकी पूरी करिए आसमां से रवाली, दस रुपया की अरदास। इसे नाम देखते नहीं समझ पाते, देख पहला कितने बढ़िया बढ़िया नाम होया करते, मरता हुआ वर्ग के राम दिया, रामदास, रामगज, रामनिवास, गल्ला परमात्मा का नाम गल्ला है इंसान का। इब्नू इन पता लगता आदमी का नाम लेवे उस नूर का नाम लेवे किसी किसी। बोले सच्चे दरबार की, दस रुपया की अरदास। तनिक सिख से ऐसा मां खोट बोल का गोली है, ये नाटक देखे नहीं उस से आपका नाम देखे। अब पृथ्वी करण मल्होत्रा प्रीता उस से आपका नाम देखे। दस रुपया की अरदास तेरे बेटे की अरदास, मां तेरे शुभ चरणा के पास मां से रवाली, दस रुपया की अरदास इनकी पूरी करिए आसमां से रवाली। अगत प्लास्टिक क्या थे आऊंगा बदने ओठी पहुंचे करेगा गाटन तक की बूढ़ी होगी तो इनका वर्ग मैं चलो कह दिया। पवित कुमार 50 रुपया की अरदास तेरे पवित की अरदास, मातरे शुभ चरणा के पास मां से रवाली। 51 रुपया की अरदास केसो पारस की अरदास, मातरे की अरदास मां से रवाली। 20 रुपया की अरदास रवि किशन की अरदास, मातरे शुभ चरणा के पास मां से रवाली।
सरपिया की अरदास तेरे जशन की अरदास मातरे शिव चरणा के पास मासे रावाली दस सरपिया की अरदास तेरे दीपक की अरदास मातरे शुभ चरणा के पास मासे रावाली बोली सत्य दरबार की सत सत का उठा दाई एक कृपिया की अरदास तेरे निखिल की अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे क्या गोपिया की अरदास युवराज प्रतीक की अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे क्या गोपिया की अरदास तेरे शोरण की अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे दसरपिया की अरदास तेरे गुप्त है अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे बोली सत्य दरबार तुम्हें महामाई से प्रार्थना करूंगा कि मां दसरपिया की अरदास त्रेतवेंद्र की अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे तुम्हें महामाई से प्रार्थना करूंगी मां जिस भी भक्त ने अपनी नेक कमाई से आपके चरणों में अरदास करवाई है उनकी मनोकामना को संपूर्ण करना दी सरप्रिया की अरदास ज्योता अनिल की अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे बोली सच्चे दरबार की सरप्रिया की अरदास तेरी बेटी की अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे तुम्हें महामाई से प्रार्थना करूंगा मां जिस भी भक्त ने अपनी नई कमाई से आपके चरणों में अरदास करवाई उनकी हर मनोकामना को संपूर्ण करना उनके अंतर के विकार बनाना और जिस भक्त ने अरदास नहीं करवाई मां उनका भी कल्याण करना उनके भी मनोकामना संपूर्ण करना ताकि उनका आपके प्रति और आपकी ज्योति के प्रति भाव जागृत हो आपके चरणों में अपने तन मन धन से ऐसे ही सेवा देते रहे बोली सबसे दरबार की कहते कि जागरण करवाना भूल जाता है जब उसका बेटा 5 साल का हो जाता है किसका रुको ये वो समझा लिया क्यों कई बोल बोल सरप्रिया की अरदास तेरे गौरव की अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे जब रुको का बेटा 5 साल का हो जाता है उसके शरीर पर छोटे छोटे फल भी उभराते डॉक्टर वगैरह दवाई में से दवाई लेके बलभर भी आराम ना तो भागे भागे तारे के पास जाते कहते कि बहना मैंने सुना है कि आपका हर रोज मामाई से बात होती है कहते कि हाँ बहना कहते कि तेरी मामाई से लेकर मेरे बेटे को ठीक करा दे जैसे ही माँ भगवती का ध्यान लगाया तो माँ भगवती तारों को बताती कि हे तारा इसने तेरे जागरण के अंदर मेरे नाम का जागरण का बोला था और बेटे के नाम किसने जागरण का बोला था वो जागरण इसने नहीं करवाया इसलिए इसके बेटे पर कष्ट आई है इसको कहती मेरे नाम का जागरण करवा दे इसका बेटा ठीक हो जाएगा दसरपिया की अरदास तेरे लक्ष्य की अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे सरपिया की अरदास गौरव चिनू की अरदास मातृ शुभ चरणा के पास मासे तो सुनो कहते हैं बताती है इसकी तेरे जागरण के अंदर इसने मेरे नाम का जागरण का बोला था लेकिन वो जागरण इसने नहीं करवाया इसको कहती कि मेरे नाम का जागरण करवा दे इसका बेटा ठीक हो जाएगा सजनों कहती है कि ये देना जानते तो थप्पड़ मार के लेना भी जानते हैं इनको देवता क्यों कहते हैं क्योंकि केवल देना ही जानते हैं देवता या ही देने वाले और आप कौन लेवता या ही लेने वाले हमारी कोई औकात नहीं कि हम इनको कुछ दे दे हम तो जो भी इनका दिया हुआ है उसी में से कुछ समर्पित करते हैं इनके चरणों में कि तेरा दिन को अर्पण क्या लागे मेरा कि हे प्रभु जो भी मेरा सामर्थ्य था मैंने आपको अर्पित किया आपको ही दिया हुआ है तो सुन रहा हूँ कहती की वो कहती कि मैं जागरण तो करवाऊंगी लेकिन कब करवाऊंगी अगर मेरा बेटा ठीक होगा तो मैं जागरण करवाऊंगी सुन रहा हूँ कहती पूत को पूत हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं होती 3 दिन के दूसरा बेटा ठीक हो जाता भागे भागे जाती है कहती बहना मुझे उस पार्टी का नाम बताओ तो तेरे घर जागरण करने के लिए आई
कैथल शहर के अंदर बलराज नगर गली नंबर 4 में हमारे आदरणीय भगत जी श्री रामपुर सैनी जी हैं। आप उनके पास ले जाओ, महामाई का बड़ा ही सुंदर दरबार सजाते हैं, बड़ा ही सुंदर गुणगान करते हैं। तो जैसे ही इतनी बात सुनकर वो भागी भागी बाबूराव आते हैं। 50 शरत भी यह की अरदास, तेरे बाबू राम की अरदास, मां तेरे सुधरना के पास मां से रावा। कैथल शहर के अंदर बलराज नगर गली नंबर 4 में हमारे आदरणीय भगत जी श्री रामपुर सैनी जी रहते हैं। आप उनके पास ले जाओ, मामाई का बड़े सुंदर दरबार सजाते हैं, बड़े सुंदर गुणगान करते हैं। रुको भागे भागे, जैसे ही हमारे भले जी के पास जाती है तुम्हारे भले जी कहते हैं कि रुको, मैं तेरे घर में जाकर नहीं कर सकता क्योंकि तेरे की तीर्थ जाति से संपत्ति है, तो मुझे यहीं पर पैसे दे जा, मैं तेरे नाम का जागरण, मैंने श्री बालाजी महाराज का बड़ा ही सुंदर भवन बनाया है, इस मंदिर में तेरे नाम का जागरण कर दूंगा। कहते नहीं, मुझे जागरण तेरे घर में करवाना है, करके शुद्धि के लिए जागरण करवाना है, मेरे घर में जागरण करने के लिए। भागी भागी वो फिर तारा के पास जाती है। कहते कि बहना, जिस भगत जी का आपने मुझको नाम बताया था वो तो जाति पाति की बातें करता है, वो तो ये कहते कि मैं नीच जाति से संबंध रखती, इसलिए मेरे घर में जागरण नहीं होगा। कहते कि मैंने आपको बहना कहा और तो मेरी बहन है, उसको कहना कि मेरे घर जागरण में महारानी तारा आएगी, अगर महारानी तारा को आने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको जागरण करने में क्या दिक्कत है। जब उन दोनों बहनों की बातें हो रही थी वहां पर एक चंचल बुद्धि का निशान खड़ा था। चंचल बुद्धि के नाम सुनो कौन होते, कहते पक्षियों में कौवा यानी काग, प्रजाति में नौवा यानी नाई, बड़ा ही चतुर और चलाक होता है, अगर कोई बैठे हो तो बुरा ना माने। कदे से बड़े लड़े ले खड़े पावा राजा बोली सच्चे दरबार की, कहते कि बड़ा ही चतुर और चलाक होते हैं, उन दोनों बहनों की बातें सुन लेते हैं और रुको के पीछे पीछे चल देते, देखते हैं किस दिन का जागरण निश्चित होगा। जैसे ही रुको दोबारा से हमारे भाई जी के पास जाती है, हमारे भाई जी कहते हैं कि मैं तेरे घर में जागरण नहीं कर सकता, कहते कि मैं तेरे घर में जागरण नहीं कर सकता, कहते कि भगत जी मेरे घर जागरण में महारानी तारा आएगी, अगर महारानी तारा को आने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको जागरण करने में क्या दिक्कत है। कहते कि ठीक है, अगर महारानी आने के लिए तैयार है तो भी आपके घर में जागरण करने के लिए तैयार हूं। बुधवार का दिन निश्चित हो जाते कि बुधवार की शाम को 9:15 बजे महारानी तारा के हाथों ज्योति प्रज्वलित की जाएगी और महामाई का जागरण शुरू किया जाएगा। बुधवार का दिन निश्चित हो जाते और वो नाई भी बुधवार की शाम को डल ले लेते हैं, निमंत्रण ले लेते हैं हमारे भाई जी के, बुधवार की शाम को हम आपके घर जागरण करने के लिए आएंगे। और सजनों ये डल का नियम है, जो इंसान डल ले लेता है उसके घर में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी कठिनाई हो, चाहे 5 मिनट के लिए आए लेकिन उसको एक बार दरबार में जरूर आना पड़ेगा। ये डल का नियम है, इसलिए डल नहीं लाता है। ये नहीं कि भाई डल मैंने ले लिया और मैंने जी ऐसा नहीं होता, जिसने डल लिया उसको जरूर आना पड़ेगा, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, कहीं पर भी हो, चाहे आओ 5 मिनट के लिए लेकिन आना जरूर पड़ेगा, ये डल का नियम है। तो सर डल ले लेते हैं, बुधवार की शाम को नाई भी राजेंद्र के हजाम करने के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने भाई यही बात की बात बताऊं तो बताऊं कैसे महाराज को क्या करता है, दाढ़ी बनाते वक्त जान बूझ कर साबुन वाला पानी महाराज के मुंह में ठूस देते हैं। महाराज चिल्लाते हैं, देखो ये तूने क्या किया, तूने तुम्हारा धर्म ही खराब कर दिया। नाई ने सोचा कि लोहा धर्म में सिर्फ हथौड़े की चोट, कहते हैं महाराज दाढ़ी आपकी, पानी आपका, साबुन आपका, अगर इससे आपका धर्म भ्रष्ट हो गया तो महारानी इतनी बात कहकर चुप हो जाती, क्योंकि नाई चलाते हैं कि महाराज आके तो अपने आप ही पूछ ले। कहते क्या महारानी, कहते महाराज आज आपकी महारानी उस भंगी के घर जागरण में जाएगी, उसके घर का प्रसाद खाएगी, क्या उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। कहते कि मेरी महारानी उस भंगी के घर जागरण में क्यों जाएगी, कहते नहीं महाराज आज आपकी महारानी उस भंगी के घर जागरण में जरूर जाएगी। कहते अगर तेरी बात दूर निकली तो कहते कि मेरा सिर कलम कर देना। महाराज भी सोच में पड़ जाते कि जो इंसान अपना सिर कलम करवाने के लिए तैयार है उसकी बात सत पत्ति सत सच मिलेगी। कहते किसका कोई उपाय, कहते किसका केवल एक उपाय है, कहते क्या, कहते कि अपना हाथ दिखाइए। महाराज ने सोचा कि नहीं मेरा हाथ देकर बताएगा, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया उस तरह के ब्लेड से महाराज की चिड़ली को अंदर चीरा दे देता है। महाराज फिर चिल्लाता है, बेवकूफ ये तूने क्या किया, कहते कि महाराज इसके अंदर आप नमक मिर्च भर लीजिए, उससे क्या होगा, उससे आपको पीड़ा होगी, नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो महारानी जागरण में नहीं जा पाएगी। महाराज को सुझाव अच्छा लगा, ऐसे ही करते जैसे महल के अंदर दाखिल हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, महारानी मर गया, कट गया, क्या हुआ महाराज,
कहते कि शिकार में गया था तलवार निकाला तो उंगली कट के कहते लोग मलम पट्टी कर दे तो कहते नहीं मुझे तो सोना है तेरे गुंडों के अंदर सिर रख के सो कहते कि आपका संपूर्ण अधिकार है आप मेरे स्वामी हो रहे हैं आपकी दासी क्योंकि मेरे पिता ने मुझको दान किया है आपको कन्या दान यानी कन्या दान की जाती है दान नहीं करी जाती एक गोत्र से दूसरे गोत्र के अंदर दान की जाती है कहती कि जब जब आदमी और औरत से बच्चा पैदा होता है तो गोत्र किसका चलता है आदमी का औरत का गोत्र नहीं चलता क्योंकि औरत को उस गोत्र के अंदर दान किया जाता है कन्या दान करते हैं कहती कि मेरे पिता ने मुझको दान किया है आपका आपका संपूर्ण अधिकार आप सो सकते हो तो अपने अपने आदमी की सेवा करया करो दान मिलने संसारी बोले सच्चे दरबार की कजे मुद्दे तो सोना है तेरे गुंडों के अंदर सिर रख के सोना है हंसने वाली बात नहीं है हम सभी कार्य किसके लिए करते हैं लक्ष्मी के लिए आप देखना हर फोटो के अंदर माँ लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान के पांव दो बातों में मिलेगी अगर लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी वाला कर्म क्रिया करो अपना आदमी की सेवा क्रिया करो मैंने उन्हें गंदा सुना था रुपये का थोड़ा सा उसकी सेवा करो नहीं जो नारायण बन के रहे उसके साथ लक्ष्मी बन के रहो जो शेर बने देख लो पीछे शेर की क्या हालत है दुर्गा भी आती है बोले सच्चे दरबार की हाथ खाओ कौन कौन सी दुर्गा बनेगी लक्ष्मी बनकर रह लो बोले सच्चे दरबार की कहते मुझे तो सोना है तेरे गोटो गोटो है सिर रख के सोने कहते कि आपका संपूर्ण अधिकार है महाराज सो जाते नहीं महाराज को निंद्रा नहीं आ रही महाराज को निंद्रा नहीं आ रही थी मन ही मन वो तारा रानी महामारी को याद रखती माँ कुछ ऐसा जफर कार करो कि महाराज को निंद्रा आ जाए मैं आपके जागरण में पहुंच सकूं कहते कि दो ठंडी हवा यहाँ से झोंक के आते कि महाराज को निंद्रा आ जाती है और महारानी महाराज के सिर के नीचे से गोटे निकाल कर महाराज के सिर के नीचे तकिए रखकर वहां से चल देती चारों तरफ लगाती है देखती कि अंदर से गेट बंद है महारानी सोचे अगर मैं गेट खोल कर जाऊंगी क्या तक गेट खोलने की आवाज से महाराज की निंद्रा टूट जाए या कोई सिपाही आकर महाराज को सूचित कर दे कि अभी अभी महारानी महल से बाहर गई है चारों तरफ लगाती है उसकी नजर रोखे पर पड़ी रोशनदान पर पड़ी दो साड़ियों को आपस में बांधती है एक सिरा साड़ी का रोशनदान से बांधकर दूसरा सिरा नीचे लटका देती है उस साड़ी के सहारे जैसे ही महारानी नीचे उतरी तो वहां पर दो चोर चोर महारानी को कहते महारानी जो भी आपने ये आभूषण पहने हैं इनको उतार कर हमको दे दो वरना हम आपका सिर कलम कर देंगे महारानी सोचा बड़ी मुश्किल से तो बाहर आई भाई अगर मैं शोर मचाऊंगी सिपाही आएंगे महाराज को सूचित करेंगे महाराज जाके तो जागरण में नहीं जाने देंगे अपने सारे खानदानी आभूषण उतार कर एक पोटली में बांध कर चोरों को दे देती है और जाते जाते मामाई से प्रार्थना करते कि माँ मुझे सुबह महाराज को भी जवाब देने हैं क्योंकि ये खानदानी गहने इन गहनों को जरा ध्यान रखना इतनी बात कहकर वो भंगी के घर पहुंच जाती है ज्योति प्रवृत्त हो जाती है महामाई का जागरण शुरू हो जाता है इधर वो चोर उन गहनों को लेकर जैसे ही आगे बढ़ने लगे अंधे हो जाते हैं गहनों को नीचे रखते हैं ठीक हो जाते हैं गहनों को उठाते हैं अंधे हो जाते हैं एक कदम भी उन गहनों को लेकर आगे नहीं बढ़ सके हार थाकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं कि इसी रास्ते से महाराणी गई थी इसी रास्ते से वापिस आएगी उसके गहने हम उसको लौटा देंगे उधर महल के अंदर महाराज की निंद्रा टूट जाती है चारों तरफ लगाते गई महारानी का महल के अंदर नहीं है अंदर से गेट भी बंद है महाराज ने सोचा कि अगर मैं गेट खोल कर जाऊंगा सिपाही मुझसे पूछेगी महाराज इतनी रात को आप अकेले कहां जा रहे हो अगर मैं उनको बताऊंगा कि मेरी महारानी मुझे बिना बताए भंगी के घर जाकर मैं पहुंच गई तो कल को ये बात चर्चा में भी आएगी इसमें तो मेरा ही अपमान है वो भी चारों तरफ लगाते उसकी नजर भी जोखे पर पड़ जाती है साड़ी को बंधे हुए पाते हैं समझ जाते हैं महारानी इसी रस्ते से गई है वो चोर भी उस साड़ी के सहारे वो राजा भी उसी साड़ी के सहारे जैसे ही नीचे उतरा तो वो दो चोर वहीं पर खड़े थे चोरों ने सोचा कि ये भी कोई चोर है जो राजा महल में चोरी करके आ रहा है जैसे महाराज नीचे उतरे तो चोर भागे भागे जाते कहते कि राम राम भाई साहब राजा ने कहते कि राम राम आप लोग कौन कहते कि आपकी बिरादरी के आप बड़े चोर हम छोटे चोर महाराज समझ जाते हैं तो कोई चोर है कहते किसको लुटा कहते किस महल की महारानी को लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही जब हम इन गहनों को उठाते तो अंधे हो जाते हैं नीचे रखते हैं ठीक हो जाते हैं आप भी तो पैसे से एक चोर हो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है वो गहने महाराज को दे देते जैसे महाराज गहने को देखते समझ जाते हैं सत्य महारानी के गहने
बड़े क्रोधित होते हैं, कहते जो एक महाराणी को नहीं सुनते तो आंदोलन का क्या हाल करते होंगे, उनको बंदी बनाकर उनके सिर कलम कर देते हैं और स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर जागरण हो रहा था। लेकिन भंगी के घर प्रवेश नहीं करता, दहलीज के बाहर बैठ जाता है। सारी रात माँ की भंगी का गुणगान किया गया, महामाई का गुणगान सुनता है। सजनों पहले माँ काली के जागरण होते थे, बंद कमरों के अंदर जागरण होते थे, माँ काली के जागरण होते थे और उसके अंदर बलि दी जाती थी। बलि किसी भी जीव की लगा लो और उसी का प्रसाद बनाकर बांटा जाए, यानी मांस का प्रसाद बांटा जाए। तो उस जागरण में भी ऐसे ही किया गया। तो आज के राजरी चंद्र हैं हमारे बलि, क्या नाम है बलि, सेवा सिंह जी, और महारानी तारा है कि धर्म पत्नी सोमा देवी जी। तो राजरी चंद्र बाहर बैठे हैं और महारानी भंगी के घर के अंदर आप खड़े हो माता जी। महाराज बाहर से देख रहे हैं कि महारानी ने मांस के प्रसाद का भोग लगाया, लगा हुआ। महाराज ने देखा कि महारानी ने मांस के प्रसाद का भोग लगा लिया, आग बबूला हो जाते हैं लेकिन भंगी के घरे प्रवेश नहीं करते। महारानी को प्रसाद दिया गया, झोली खुल जाती है। महाराज ने देखा कि महारानी की झोली के अंदर मांस का प्रसाद डला है और भी आग बबूला हो जाते हैं लेकिन भंगी के घरे प्रवेश नहीं कर सकते। सभी को भी प्रसाद दिया गया, कोई प्रसाद नहीं खाता। महारानी कहती कि आप लोग प्रसाद क्यों नहीं खा रहे? सभी कहते कि महारानी आपने तो प्रसाद नहीं खाया। कहती कि ये प्रसाद तो मैंने अपने पति देव के लिए रखा है, मेरा प्रसाद तो मैं अब खाऊंगी, अब लूंगी, ये अपने खाना है, खाओ खाओ। लाजी मन तो काजू बादाम से छान कर दे रही है, तगड़ी रह जाएगी दुनिया, कड़क तोड़ो रही है। महाराज ने देखे कि महारानी ने मांस के प्रसाद का सेवन कर लिया और भी आग बबूला हो जाता है। जैसे ही जीरी तो रोज बांटे, सारी उम्र हो गया उन्हें जीरी बांटता ने के न्यारा का लिया, कुछ नहीं न्यारा पाया होगा, ये सच्चाई है। जो काम नहीं चल रहा बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की कि महारानी ने मांस के प्रसाद का सेवन कर लिया, आग बबूला हो जाता है। जैसे महारानी भंगी के घर से बाहर कदम रखती है, महाराज उसको वहीं पर रोक लेते, खड़े हो जाओ बतेरे आग बबूले हो गया। कहते कहां जा रही हो महारानी? कहते कि राजमहल में है। तो राजमहल में जाने का अधिकार आपने खो दिया, भंगी के घर का प्रसाद खाकर, मांस का प्रसाद खाकर तूने अपना तो धर्म रट कर लिया, यही प्रसाद खाकर तो मेरा भी धर्म रटना चाहते। दिखाओ तेरी झोली झोली क्या है, झोली झोली के अंदर तो सोचना क्या दिखता है, पंचमेवे का प्रसाद देखते हैं, पंचमेवे का प्रसाद देखते हैं। महाराज आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मैंने तो अपनी आंखों से महारानी के झोली के अंदर मांस का प्रसाद डालते हुए देखा, ये पंचमेवे कैसे परिवर्तित हो गए। कहते कि तारा की लाज रखने के लिए उस माँ भगवती ने उस मांस के प्रसाद को पंचमेवे के प्रसाद में परिवर्तित कर दिया और तभी से पंचमेवे का प्रसाद शुरू हुआ। पंचमेवे के प्रसाद को देखकर महाराज एक ही बात कहते कहते कि तू तो जादूगरनी है, जादूगर क्या है, तो था आज पहली बार। कहते कि तू तो जादूगरनी है, जादूगरनी क्या है, एक बार कहते कि नहीं मैं कोई जादूगरनी नहीं, ये तो श्री महामाई का चमत्कार है, क्या है, देख लो जिसे ध्यान खोए तो उसी आज तो नहीं आई है। ताड़ी वाला बड़ी ही सुंदर जोड़ी थी माई पर बनाए रखी और जिस मनोरथ से इन्होंने जागरण करवाया है वो मनोरथ भी सिद्ध हो। बोली सच्चे दरबार की, अंकल जी इतना तो बोल गया, जाली इतने को नहीं बोलते। एक जना का नया नया ब्याह हो गया, बहु खड़ी रसोई मेरा अपना आदमी का निकल गए, आदमी बगदा गया लगा जी लगा कुछ नहीं, मैं तो बोले की पावर चेक कर रही न्यू तो पावर चेक कर रहा हूँ। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, कहते कि मुझे भी तेरी महामाई का दर्शन करना है, जो ऐसे ऐसे चमत्कार करती है। कहते कि महाराज इतना आसान नहीं है दर्शन करना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे भंगी घर में त्याग हुआ, जो आपको जग में सबसे प्रिय उसका त्याग करना होगा। बातें करते करते राजमहल तक पहुंच जाते हैं और ऐसा ही जागरण करवाना होगा
महाराज कहते कि मैं जाकर आऊंगा लेकिन समस्त नगरी को निमंत्रण दूंगा। मैं चमत्कार सभा के बीच में देखूंगा तेरी महामाई का। तो सदनों उसी दिन से खुले के अंदर जागरण हुए क्योंकि कमरे के अंदर वो सारी नगरी नहीं आ सकती थी। बाहर पंडाल लगाया गया, माँ का दरबार सजाया गया और कहते कि बताओ आपको जग में सबसे प्रिय क्या है। दरबार सज जाते हैं, संगत जुड़ जाती है। कहते कराओ तेरी महामाई का दर्शन। कहते कि पहले क्या कीजिए बताओ, किस चीज का क्या करो। कहते जो आपको जग में सबसे प्रिय बताओ आपको जग में सबसे प्रिय क्या है। महाराज हाथी पीट कर कहते मुझे जग में सबसे प्रिय मेरा नीला घोड़ा है। कहते उसकी बलिदान कीजिए, उसकी बलि दीजिए। महाराज तलवार उठाते घुड़सवार के बाद जाते एक ही तलवार के वार से अपने नीले घोड़े का वध कर देता है। खून से सनी हुई तलवार लेकर महारानी के सामने जाकर लहराकर कहते महारानी देखो मैंने क्या क्या कर दिया। कराओ तेरी महामाई का दर्शन। महारानी हंसकर कहते कितना साहस है दर्शन करना। कहते क्यों? कहते कि पहले त्याग कीजिए। कहते कि अभी अभी तो मैंने त्याग किया है। कहते किस चीज का त्याग किया? कहते जो मुझे जग में सबसे प्रिय था मेरा नीला घोड़ा। महारानी हंसकर कहते कि आपको जग में सबसे प्रिय आपका बेटा रोहतास नहीं है। जब महारानी के मुख से ऐसे शब्दों को सुनता है कहते कि आप कैसी माँ हो, आपको पता है कि हमारा एक ही बेटा है तो उसका भी बलिदान करने के लिए करेंगे। महाराज मैंने आपको पहले कहा था कि जो आपको जग में सबसे प्रिय उसका बलिदान करना होगा। अब आप ही नीचे करके बताओ कि आपको जग में सबसे प्रिय आपका नीला घोड़ा है, आपका बेटा रोहतास है। सारी संगत जुड़ी हुई थी। राजन वचनों में गिर जाते हैं और रोते हुए कहते मुझे तो जग में सबसे प्रिय मेरा बेटा रोहतास है क्योंकि औलाद ही सबसे प्रिय होती है। सुनो गाड़ी घोड़े तो इंसान खरीद सकता है लेकिन माँ बाप गुरु और औलाद इंसान को कर्म के आधार पर करते। कहते कि मुझे तो जग में सबसे प्रिय मेरा बेटा रोहतास के लिए उसका बलिदान कीजिए। अगर आपको दर्शन करना महाराज की श्रद्धा बढ़ जाती है अपने बेटे का आवाज लगाते कि बेटा रोहतास और 6 साल का लड़का भागा भागा आता है जैसे समीप पहुंचता उसी तलवार से उसका विषय कलम कर देते हैं। कहते कराओ दर्शन। महारानी हंसकर कहते कितना आसान नहीं है दर्शन करना। आप छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, एक बर्तन में डालिए, प्रसाद बनाइए, महामाई के चरणों में भोग लगाइए, खुद भी खाइए और मुझे भी खिलाइए। हाँ, प्रसाद बनाते वक्त या भोग लगाते वक्त या खाते वक्त अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए, इन तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था के अंदर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो मेरी महामाई आपको दर्शन नहीं देगी। महाराज कहते क्यों? कहते कि मेरी महामाई ऐसी चीज अपने खुश होकर त्याग नहीं किया, अपने इच्छा से त्याग नहीं किया, किसी मजबूरी में या दबाव में आकर आपने त्याग किया है। महाराज रोते हुए कहते मैं आपको वचन देता हूं मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अरे अब तो मेरा घोड़ा भी गया, मेरा बेटा रोहतास भी गया, ये तो जीवित होने से रहे। अब तो मेरे जीवन का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है तेरी महामाई का दर्शन करना। छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, एक बर्तन में डालकर महारानी को कहते हैं महारानी आगे का कार्य आपका क्योंकि रसोई का काम एक औरत का होता है। जैसे ही महारानी चूल्हे के अंदर अग्नि प्रज्वलित कर दिया, महाराज उसका हाथ पकड़ लेते क्या करियो। महारानी कहते कि अग्नि प्रज्वलित कर रही हूं। कहते कि नहीं, अगर तेरी महामाई के अंदर शक्ति है तो तू अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगी, तेरी महामाई अग्नि प्रज्वलित करेगी। कहती कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर मन ही मन माँ ज्वाला को याद किया तो चूल्हे के अंदर साक्षात माँ ज्वाला प्रकट हो जाती है, प्रसाद बनाकर तैयार हो जाते हैं, माँ माई के जोड़ में भोग लगा जाते हैं और भगत जी भोग लगा प्रसाद बनाकर तैयार हो जाते हैं, माँ माई के जोड़ में भोग लगा जाते हैं। एक कटोरी से महाराज के भोग लगाते हैं, एक कटोरी महाराज लेकर बैठ जाते हैं, एक कटोरी महारानी लेकर बैठ जाती है। कहते कि जब महाराज प्रसाद खा रहा था भोग लगाओ लगाओ, जब महाराज प्रसाद खा रहा था तो रोहतास के शरीर का कोई अंग महाराज की जाड़ के नीचे आ जाते हैं। पुत्र वियोग में पुत्र से छुड़ने के दुख में उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह जाती है। महारानी हंसकर कहते कि आपको दर्शन। कहते क्यों? कहते कि आप अपने वचन पर कायम नहीं रहे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज भी चिल्लाकर कहते कि महारानी तूने मुझे कहीं कहीं छोड़ा, तेरे कहने से मैंने बेटे रोहतास का क्या किया, तेरे कहने से मैंने मेरे घोड़े का क्या किया, जिस उद्देश्य से मैंने कार्य किया था तू कहते कि मुझे दर्शन भी नहीं हुए। अरे क्या इतनी निर्दयी है तेरी मां, तेरी महामाई को मेरे आंसू तो दिखे लेकिन मेरा इतना बड़ा त्याग दिया, मुझे नहीं करने तेरी महामाई के दर्शन। तू भी खुश और तेरी महामाई भी खुश, इस संसार में लज्जित होकर जीने से तो अच्छा है कि मैं भी अपने आप को तेरी महामाई के चरणों में अर्पित कर दूं। इतनी बात कहकर जैसे वही तलवार अपने गर्दन पर रखता है तो माँ भगवती का छोटा सा स्वरूप महाराज के हाथ को पकड़ लेता है। कहते कि मेरा हाथ किसने पकड़ा? कहते कि मेरी माँ भगवती ने पलट कर देखते। कहते कि नहीं, मुझे इस रूप में तेरी महामाई का दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो इस रूप में तेरी महामाई का दर्शन चाहिए जिस रूप के अंदर उसकी पूजा करती है। कहते कि राजा का ऐसा भक्ति भाव देखकर मासी मासी सवार हो
भगवान रमाश को जाओ वाली माँ भगवती माँ भवानी माँ दुर्गे राजा को दर्शन देती है और उस प्रसाद को हलवे और छोले में परिवर्तित करती है। हलवे छोले में क्यों परिवर्तित कर दिया सजनों? कहते कि जो रोहतास था एक बच्चा था और उसका मांस नरम था और बच्चे को सबसे प्रिय सजन क्या होता है? आज काला लेना तो ओट डॉग चाउमीन बर्गर है लेकिन पहले हलवा होता था। वो हलवे में परिवर्तित हो गया और घोड़ा एक जानवर था उसका मांस कठोर था और घोड़े को सबसे प्रिय क्या होता है? चना। वो काले छोले में परिवर्तित हो गया। देखो जानवर ना अपना भोजन नहीं छोड़ा आदमी वो स्वस्थ है, इंसान ने अपना भोजन छोड़ दिया अनेकों बीमारी किसी का तुम्हें टेंशन हो जाए दूसरा बंदा देखा देखा बीपी लो जाए इसको कुकर चल दिया था ना यू कमा सारा दिन बंद हो रही थी। तो सजनो तभी से हलवे छोले का प्रसाद बना। महामाई कहने के लिए कटोरी अपने बेटे को आवाज लगा, बेटे को आवाज लगाते है तो रोहतास भागा भागा अपने हाथ से अपने बेटे को प्रसाद कहते लिए कटोरी को सवाले के बाद गुड़ सवाले के बाद जाकर एक दस का घोड़ा उसको सही सलाम सलाम अपने हाथों से अपने घोड़े को भी प्रसाद खिलाते है। तभी से हलवे छोले का प्रसाद बना और महामाई ने वरदान दे कि जो भी इंसान सुबह की पान लेने में मेरे चरणों में हलवे छोले का भोग लगाएगा मैं ये सोचूंगी कि उस इंसान ने अपने जीवन की दो सबसे प्रिय वस्तु मेरे चरणों में अर्पित की है वरना वो तो खीर का भी लगा सकते हैं। तभी से हलवे छोले का प्रसाद बना और तारा को भी वरदान दिया कि हे तारा जब तक सूरज चांद रहेगा तारा तेरा नाम रहेगा जिस जागरण के अंदर तेरे नाम की कथा नहीं कही जाएगी ना तो जागरण करने वाले को उसका फल मिलेगा ना ही जागरण करवाने वाले को उसका फल मिलेगा ना ही जागरण सुनने वाले को उसका फल मिलेगा। तभी से तारा रानी की कथा शुरू हुई। राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या नगरी के अंदर माँ का बड़ा ही सुंदर भवन बनवाया अपने बेटे रोहतास और अपनी महारानी तारा के साथ माँ के चरणों में हो जाता है, माँ की भक्ति में लीन हो जाता है और सदा सदा के लिए भक्ति में अपना नाम अमर कर जाते हैं। सच्चे दरबार की ये थी तारा रानी की कथा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो तारियों से आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आई होगी। उन्हें सच्चे दरबार की अगर कहीं से त्रुटि रह गई हो कहीं से समझ में ना आई हो तो हमारा YouTube चैनल है गुरु भाव के नाम से। गुरु भाव लिखोगे तो मेरी फोटो निकल जाएगी देख लियो कुछ या सुनील कुमार लदानिया करोगे तब भी मेरी फोटो निकल जाएगी। उस चैनल पर जाकर आप इस कथा को दोबारा से सुन सकते हो। बोले सच्चे दरबार की अब जो पैसे बांधे थे वो पैसे खोल दो जो पल्लक बांधे थे अब माँ के पावन आरती उसके बाद कन्या पूजन और उसके बाद जिसको आपको बेसब्र से इंतजार है माँ की ज्योति का प्रसाद सभी भक्तों को दिया जाएगा। हले हले जो पैसे बांधे थे वो पैसे खोल दो क्योंकि संपूर्ण हो चुकी है तारा रानी की कथा। खोल दी पैसे सभी खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं माँ की पावन आरती सभी भक्तों ने करनी है। उसके बाद छोटी छोटी नौ कंजका कन्या पूजन होगा और जिसने नारियल की भेंट चढ़ाई है अपना अपना नारियल लेकर जाने हैं। बोले सच्चे दरबार की आओ पहले परिवार वाले माँ की पावन आरती करेंगे उसके बाद सभी भक्तों ने बारी बारी से माँ की पावन आरती करनी है। कन्या पूजन होगा फिर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार श्री गुरु चरण सरोज निज मनोमुखर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दैको फलचारी बुद्धिहीन तन जाने समर पवन कुमार बल बुद्धि अम्बे तो है जगदम्बे काले जय दुर्गे खबर वाले तेरा ही गुण गाए भार
वाली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरा ही गुण गाने वाले की हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती तेरे बगलों पर माता भीड़ पड़ी है वारे मैया भीड़ पड़ी है वारे ताना बदल पर टूट पड़ो माला पड़ो माँ करके सिंह सवारी सो सो सिंहों से है बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुष्टों को पल में सलकारती हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता रे मैया बड़ा ही निर्मल नाता पोत का पोत सुने हैं परना पोत का पोत सुने हैं परना माता सुने को माता सब पे करुणा बरसाने वाले अमृत बरसाने वाले दुखियों के दुखड़े आरती हो मैया हम सब उतार तेरे आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चाहते ना सोना रे मैया ना चाहते ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबके बिगड़ी बनाने वाले लाज बचाने वाले सदियों के सते को सेवारती हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना रे मैया इसे बनाए रखना सब पे करुणा बरसाने वाली लाज बचाने वाली दैया का भर से ओ आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती चरण शरण में खड़े हमारे पूजा के थाली मैया ने पूजा के थाली वर्त हस्त सिर पे रख दो माँ वर्त हस्त सिर पे रख दो माँ संकट हरने वाली भर दो भक्ति रस के प्यारी अष्ट भुजाओं वाली भक्तों के कारण दो आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती लंबे हम सब उतारे तेरी आरती हो सब उतारे तेरी आरती बोली सच्चे लेवारी देखिए थोड़ा थोड़ा समय लेते जाइएगा आरती का सभी देवताओं की संपूर्ण आरती होगी सभी ने मिलकर बोलना थोड़ा थोड़ा समय लेते जाएगा आरती सभी के पास पहुंच जाएगी अगर जिस माता बहन ने आरती नहीं उतारी आरती उसके पास आएगी तो सभी ने मिलकर बोलना बोलो सच्चे दरबार की श्री विष्णु भगवान की तो आइए सभी को मिलकर बोलना ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मन शिवाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन कारी ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण रहो मैं जिसकी स्वामी शरण रहो मैं जिसकी तुम बिन हो रे न दूजा प्रभु बिन हो रे न दूजा आस करो मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरे
बैठे स्वामी सब के रक्षपति किशर जन लो दयालु कैसे मिलो कृपालु तुमको मैं तुम तेरी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार कड़म तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो मेरा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुमको अर्पण तेरा तुमको समर्पण क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे करत शिवानंद स्वामी मन भजत हरो हर स्वामी मनवाचित बल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण खुशी वाला दूर करे ओम जय हरे बोले सच्चे दरबार की जय तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च दमनम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तुम्हें को जब ते जगत के प्राणे ब्रह्मा विष्णु शिव भोल राणे जगत के विद्या मिटाने वाले नमस्ते मांबे भवाने दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है उसको वैसा ही फल मिलता है जो जैसी नियत रखता है माता तेरी ज्योति से सभी को मिलता नूर जो सदा से तेरे पे आए हैं उन्हें कुछ ना कुछ मिला जरूर दादी तेरे दरबार में खड़े सब हाथ जोड़ तुम देने वाले को और मांग के लाख करोड़ बोलिए सच्चे दरबार की जय हे मेरे सच्चिया जोतां वाले माता तेरी सदा ही जय जयकारा वीर बजरंगी की हर 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 सच्चे दरबार की और पीछे जाओ यह जगह खोली छोड़ो तो ये था कन्या पूजन होगा पहले बजरंग मंडल की तरफ से थोड़ा थोड़ा बैठने का कृपा करें आप भक्त के बीच में हमारे गांव का लाल और बिठाएंगे आपको फिर उसके बाद अपने अपने महलों को चले जाना प्रसाद मिलेगा अभी नौ कन्याएं एक लड़का लाइन से बिठाओ उनको पहले थोड़ा थोड़ा पीछे से चलो देवियों लाइन में रखे ऐसे नहीं आगे पीछे नहीं बेटा आगे पीछे नहीं हाँ नौ लड़कियां एक लड़का कोई बात नहीं फालतू हो झंझे को वो दस दुनिया में प्रसाद लेके आओ आ गया इधर ले आओ बाबू इधर ले आओ तो अच्छा आप सभी से निवेदन है मेरा आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया तो एक बार हाथ उठाइए महारानी के दरबार में सभी जयकारा माँ वैष्णो रानी का बोलो सच्चे दरबार की जयकारा माँ ज्वाला देवी का बोलो सच्चे दरबार की जयकारा मेरी माँ नैना देवी का बोलो सच्चे दरबार की जयकारा माँ चिंतपूर्णी का बोलो सच्चे दरबार की जयकारा माँ बाला सुंदरी का बोलो सच्चे दरबार की जयकारा माँ मनसा देवी का बोलो सच्चे दरबार की जयकारा महाकाली का बोलो सच्चे दरबार की जयकारा माँ बनभोरी आली का बोलो सच्चे दरबार की जय
बोलिए बजरंग बली हनुमान की। तो ये था हमारा ये जागरण, अगर सभी को पसंद आया तो एक बार तालियां बजा दीजिए। अगर किसी भी माता बहन भाई ने श्री माँ भगवती का जागरण, श्री बालाजी महाराज का जागरण, माता की चौकी या श्री खाटू श्याम जी का सत्संग करवाना हो, कीर्तन करवाना हो, तो हमारा श्री बालाजी जागरण एंड पार्टी चैनल चलता है हमारा श्री बजरंग मंडल जागरण एंड पार्टी के द्वारा। तो आप सर्च मार के हमारा फोन नंबर भी ले सकते हैं, आपको सभी को कार्ड भी मिलेंगे, कभी भी आप सेवा में पुकारेंगे तो आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अगर किसी को जागरण सेवा के लिए आप लोगों को अवश्य आपकी सेवा में आएंगे। तो अभी सभी ने पहले कन्या पूजन और फिर उसके बाद प्रसाद सभी ने लेना है, फिर अपने अपने महलों को जाइएगा, फिर हम भी अपनी झोपड़ी की ओर जाएंगे। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की जय। पहले अज पापी प्रसाद नहीं देना अभी आपने पहला इधर आओ मेरे माता इधर आओ।